हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट। तो न्यूटन रिंग का एक्सपेरिमेंट, डेरिवेशन और इसका हम पाथ डिफरेंस, इंटरफेरेंस थ्योरी, मैक्सिमा और मिनिमा भी डेरिवेशन में करने वाले हैं। तो देखते हैं, आपको 7 या 14 नंबर में क्वेश्चन आएगा, तो आपको किस तरह से लिखना है और बहुत ही शॉर्ट तरीके से मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा, ताकि एग्जाम में आपको लिखने में आसानी हो। तो आपको सबसे पहले शुरुआत करनी है न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट में। न्यूटन्स रिंग आर फॉर्म्ड व्हेन अ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस एल ऑफ लार्ज रेडियस ऑफ कर्वेचर प्लेस्ड ऑन अ सीट ऑफ अ प्लेन ग्लास प्लेट ए बी। तो न्यूटन्स रिंग कैसे बनती है, जब एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस को, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस एल है और एक लार्ज रेडियस का जो लेंस है कर्वेचर का, उसे हम एक प्लेन ग्लास प्लेट जो ए बी है, प्लेन ग्लास प्लेट पर, सीट पर रखते हैं। और अ मोनोक्रोमेटिक लाइट फ्रॉम एन एक्सटेंडेड सोर्स एस इज रेंटर्ड पैरेलल बाय अ लेंस एल। तो एक मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स है एस, जिसका नाम है एस, और ये पैरेलल रेज जो है पैरेलल जाती हैं लेंस से होकर। इसके बाद आपको नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर लिखना है, इट इज इंसिडेंट ऑन अ ग्लास प्लेट इंक्लाइंड एट 45 डिग्री टू द हॉरिजोंटल एंड इज रिफ्लेक्टेड। तो इट इज इंक्लाइंडेड, जो ग्लास प्लेट है वो आपकी इंक्लाइंडेड होती है, तिरछी होती है, ऑन अ ग्लास प्लेट 45 डिग्री पर जो है सेट होती है। और नेक्स्ट पॉइंट में लिखना है, नॉर्मली डाउन ऑन टू अ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस प्लेस्ड ऑन अ फ्लैट ग्लास प्लेट। तो एक फ्लैट ग्लास प्लेट पर प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस जो है सेट होता है। न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट को आप इस डायग्राम की मदद से समझ सकते हैं। तो ये जो है न्यूटन्स रिंग का एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट का फिगर है। तो इसे कैसे किया जाता है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक लाइट सोर्स एस है, ये लाइट सोर्स है मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स, और यहाँ पर एक लेंस लगा होता है। लेंस से जब ये रेस होकर निकलती हैं तो ये पैरेलल होकर जाती हैं। तो यहाँ पर एक इंक्लाइंडेड ग्लास प्लेट लगी होती है जो 45 डिग्री का एंगल यहाँ पर बनाती है। इसके बाद यहाँ पर हम इसे माइक्रोस्कोप की मदद से देख सकते हैं, और यहाँ पर जब ये रेस जो है यहाँ पर रिफ्लेक्टिव होकर नीचे की ओर जाती हैं, तो यहाँ पर प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस लगा होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है ये, और यहाँ पर ये नीचे फ्लैट ग्लास प्लेट ए बी होती है। तो यहाँ पर जब ये वापस जाती हैं रेस रिफ्लेक्टिव होकर, तो इसे हम एक माइक्रोस्कोप की सहायता से देख सकते हैं। तो ये जो है अरेंजमेंट की मदद से आप इसे समझ सकते हैं, और आपको डायग्राम एग्जाम में ऐसे ही बनाना है, और डायग्राम बनाने के बाद आप इस लैंग्वेज को भी लिख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं लैंग्वेज में, यहाँ पर ये सभी बातें जो है डायग्राम जैसा हमने बनाया है वैसे हमने यहाँ पर लिखा है। हम करेंगे इंटरफेरेंस थ्योरी इन न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट। तो यहाँ पर आपको डायग्राम और थ्योरी लिखने के बाद, यहाँ पर डायग्राम की जो स्ट्रक्चर लिखने के बाद, आपको यहाँ पर एग्जाम में यदि पाथ डिफरेंस, कंडीशन फॉर मैक्सिमा और कंडीशन फॉर मिनिमा या डायमीटर ऑफ न्यूटन्स रिंग में से कोई दो टॉपिक आपको पूछेगा, तो आपको जो भी टॉपिक आए उनमें से आपको यहाँ पर करना है। तो यहाँ पर हम ये चारों टॉपिक यहाँ पर करने वाले हैं, तो देखते हैं ये कैसे होगा। यहाँ पर हम इन सब का डेरिवेशन करेंगे। तो यहाँ पर पाथ डिफरेंस, कंडीशन फॉर मैक्सिमा मिनिमा, कंडीशन फॉर मिनिमा, डायमीटर ऑफ न्यूटन रिंग, तो डार्क रिंग के लिए और ब्राइट रिंग के लिए हम यहाँ पर डेरिवेशन करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं पाथ डिफरेंस। तो पाथ डिफरेंस क्या कहलाता है, तो यहाँ पर हम पाथ डिफरेंस से जानते हैं, वी नाउ दैट फ्रॉम विच से फिल्म इंटरफेरेंस। तो फिल्म इंटरफेरेंस क्या होता है, यहाँ पर पाथ डिफरेंस के लिए इक्वेशन होती है, यहाँ पर हम लिखेंगे पाथ डिफरेंस डेल एक्स इक्वल्स टू, पाथ डिफरेंस डेल एक्स इक्वल्स टू होता है 2μt cos r प्लस थीटा और प्लस माइनस लैम्डा बाई 2। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देंगे। सपोज करिए यहाँ पर ये एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है और ये प्लेट ग्लास, एक ग्लास प्लेट ए बी है। तो यहाँ से जब रेज जो है, लाइट रेज यहाँ से आएंगी, तो यहाँ पर ये जब कोई रेज यहाँ से आएगी तो ये रेज यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर कहाँ वापस चली जाएगी। तो ये जो है यहाँ पर कोई दो रेज आती हैं, तो एक रेज यहाँ पर वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और जब अगली रेज यहाँ पर नीचे की ओर आकर इस प्लाट मतलब इस प्लेट से, इस ग्लास प्लेट से रिफ्लेक्ट होगी और ये भी वापस चली जाएगी। तो इसे हम दे देंगे नाम, इसे रे 1 और इसे रे 2 कहेंगे। इसके बाद यहाँ पर वेज सेफ क्या है, तो वेज सेप जो है इसी को हम वेज सेप कहते हैं। यहाँ पर ये एयर फिल्म है, ये जो भाग है हमारा एयर फिल्म वेज सेप कहलाता है, तो इसे हम एयर फिल्म वेज सेप कहते हैं। ये डायग्राम भी आपको एग्जाम में बनाना है, ये फिगर 2 हो गया, या इसका नाम होगा एयर फिल्म।
तो यहाँ पर आपको पाथ डिफरेंस में लिखना है वी नाउ दैट फ्रॉम वेज शेप फिल्म इंटरफेरेंस। तो पाथ डिफरेंस क्या होता है, तो ये इक्वेशन आपको याद कर लेनी है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम इसी इक्वेशन का यूज जो है मैक्सिमा और मिनिमा की कंडीशन निकालने में यूज करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे कंडीशन फॉर मैक्सिमा। तो कंडीशन फॉर मैक्सिमा के लिए हम जानते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से, तो इंटरफेरेंस की थ्योरी से हम जानते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे वी नाउ फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पाथ डिफरेंस होता है, पाथ डिफरेंस डेल एक्स इक्वल्स टू यहाँ पर ई वन इंटू लेमडा बाई टू। तो पाथ डिफरेंस डेल एक्स की जगह पर हम यहाँ पर लिखेंगे, पहले हम पाथ डिफरेंस में इक्वेशन देख चुके हैं, तो यहाँ पर वही इक्वेशन हम लिखेंगे टू म्यू टी कॉस आर प्लस थीटा और प्लस लेमडा बाई टू, और इक्वल इवन की जगह पर हम यहाँ पर कोई भी नंबर ले सकते हैं, यहाँ पर हम टू एन लिखेंगे, एन जहाँ पर कोई नंबर है, और इंटू लेमडा बाई टू। इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं टू एन लेमडा बाई टू रे ब्रैकेट। इसके बाद जब लेमडा बाई टू को इस साइड लाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा टू म्यू टी कॉस आर प्लस थीटा इक्वल्स टू यहाँ पर होगा टू एन लेमडा बाई टू माइनस लेमडा बाई टू। इसके बाद यहाँ से लेमडा बाई टू को हम कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर बचेगा लेमडा बाई टू और ब्रैकेट में टू एन माइनस वन। इसके बाद जब नॉर्मल इंसिडेंस केस के लिए हम जानते हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे फोर नॉर्मल इंसिडेंस केस, फॉर नॉर्मल इंसिडेंस केस, तो यहाँ पर क्या होगा एंगल आर जो हमारा होगा वो जीरो के इक्वल होगा, एंगल आर यहाँ पर है जीरो। तो जब एंगल आर जीरो होगा और यहाँ पर थीटा भी जीरो होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे फॉर वेरी स्मॉल एंगल, थीटा क्या है वेरी स्मॉल एंगल है, यहाँ पर लिखेंगे फॉर वेरी स्मॉल एंगल तो थीटा इक्वल्स टू जीरो। जब ये दोनों जीरो होंगे तो यहाँ पर हो जाएगा टू म्यू टी कॉस जीरो इक्वल्स टू लेमडा बाई टू टू एन माइनस वन, और कॉस जीरो की वैल्यू यहाँ पर होती है वन, तो ये हो जाएगा टू म्यू टी इक्वल्स टू लेमडा बाई टू और टू एन माइनस वन। तो ये जो हमें वैल्यू मिल चुकी है ये ब्राइट फ्रिंज के लिए मिल चुकी है, तो यहाँ पर लिखेंगे ब्राइट फ्रिंज इज प्रोड्यूस्ड, ब्राइट फ्रिंज इज प्रोड्यूस्ड। तो ये जो मैक्सिमा की कंडीशन है इससे ब्राइट फ्रिंज प्रोड्यूस होगी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कंडीशन फॉर मिनिमा। इससे पहले हमने कंडीशन फॉर मैक्सिमा देखा, तो कंडीशन फॉर मैक्सिमा में हमें कैसी फ्रिंज मिलती है, ब्राइट फ्रिंज मिलती है, और इन दोनों के बाद हम देखेंगे इसका डायमीटर। तो न्यूटन्स रिंग जो है वो सर्कल में मिलती है कुछ इस तरीके से, और न्यूटन्स रिंग का जो डार्क स्पॉट होता है वो हमेशा ब्लैक होता है या डार्क रहता है, ये डार्क मिलता है हमें। तो यहाँ पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस लेंगे हम मिनिमा में, तो पाथ डिफरेंस क्या होगा डेल एक्स इक्वल्स टू ऑड लैम्डा बाई टू, तो पाथ डिफरेंस होगा टू म्यू टी कॉस आर प्लस थीटा और प्लस लैम्डा बाई टू इक्वल्स टू, यहाँ पर ऑड का मतलब क्या है, यहाँ पर ऑड वैल्यू लेंगे तो ये हो जाएगा टू एन माइनस वन और लैम्डा बाई टू। यदि हम यहाँ पर कोई भी वैल्यू रखेंगे तो हमें एक ऑड वैल्यू मिलेगी, यदि इसका एन की जगह पर हम वन रखेंगे तो ये वैल्यू हमें मिल जाएगी टू थ्री मिलेगी, और ऐसे ही जब हम यहाँ पर थ्री रखेंगे तो ये वैल्यू हमें फाइव मिल जाएगी, तो एक ऑड वैल्यू हमें मिलेगी। इसके बाद हम लेमडा बाई टू को इस साइड लाएंगे तो ये हो जाएगा टू म्यू टी कॉस आर प्लस थीटा इक्वल्स टू टू एन माइनस वन लेमडा बाई टू माइनस लेमडा बाई टू। इसके बाद लेमडा बाई टू का मल्टीप्लाई होगा ब्रैकेट के अंदर, तो टू एन माइनस यहाँ पर जब मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा टू एन लेमडा बाई टू प्लस लेमडा बाई टू और माइनस, टू से टू कैंसिल और ये दोनों कैंसिल, तो यहाँ पर बचेगा एन लेमडा, तो टू म्यू टी कॉस आर प्लस थीटा इक्वल्स टू आ गया एन लेमडा। इसके बाद जिस तरह हमने मैक्सिमा में नॉर्मल इंसिडेंट केस के लिए आर और थीटा की वैल्यू जीरो मानेगी मानी थी, इसी तरह हम यहाँ पर लिखेंगे फोर नॉर्मल इंसिडेंट केस इंसिडेंस केस, तो यहाँ पर आर
एंगल आर जीरो और थीटा इक्वल्स टू जीरो होगा, और जब ये दोनों जीरो होंगे तो कॉस की वैल्यू भी जीरो हो जाएगी। तो कॉस जीरो की वैल्यू होती है यहाँ पर वन, तो यहाँ पर हो जाएगा टू म्यू टी और एन लैम्डा। ये जो है हमारा मिल गया मिनिमा की कंडीशन। तो मिनिमा की कंडीशन जब होगी तो यहाँ पर मिलेगी हमें डार्क फ्रिंज। तो यहाँ पर हम लिखेंगे डार्क फ्रिंज इज प्रोड्यूस्ड। डार्क फ्रिंज क्या हो गई? प्रोड्यूस। और आप यहाँ पर शो कर सकते हैं एन की जगह पर क्या होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे वेयर एन इक्वल्स टू वन टू थ्री और ए शोन। इसके बाद हम देखेंगे डायामीटर ऑफ न्यूटन्स रिंग। तो डायामीटर क्या होता है न्यूटन रिंग का, तो यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम प्रॉपर्टी ऑफ द सर्कल। तो यहाँ पर एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस होता है, यदि हम इसे ये सर्कल शेप में होता है, इसे यदि हम पूरा सर्कल बनाएंगे तो यहाँ पर एक जो डायामीटर है प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस के डायामीटर के बराबर होगा न्यूटन्स रिंग का। तो यहाँ पर प्रॉपर्टी क्या होती है, ओ डी इंटू ओ सी और ए ओ इंटू ओ बी। तो ओ डी इंटू ओ सी बराबर होगा ए ओ इंटू ओ बी के। और यहाँ पर ये जो है ओ डी और ओ सी की वैल्यू यहाँ पर ये मान सकते हैं हम टू आर माइनस टी इंटू टी और आर इंटू आर जो है दोनों रेडियस हैं। तो जब हम टू आर माइनस टी को इस साइड लाएंगे तो ये हो जाएगा बटे में, और इससे हमें टी की जो वैल्यू मिलेगी उसे हम इक्वेशन नंबर वन बना देंगे। और यहाँ पर हम टी को नेगलेक्ट करेंगे क्योंकि टी बहुत छोटी वैल्यू है टू आर से। इसके बाद हम यहाँ पर ब्राइट रिंग का डायामीटर निकालेंगे। तो ब्राइट रिंग का डायामीटर कब निकलता है, जब कंडीशन मैक्सिमा होती है, यानी वेवलेंथ जो है मैक्सिमम होती है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे वी नाउ फॉर मैक्सिमा। जब मैक्सिमा वैल्यू होती है तो पाथ डिफरेंस क्या होता है, टू म्यू टी कॉस आर प्लस थीटा प्लस लैम्डा बाई टू और इक्वल होता है टू एन लैम्डा बाई टू। हम ये मैक्सिमा की कंडीशन में पहले कर चुके हैं। तो इसके बाद इसे जब हम आगे सॉल्व करेंगे, जब नॉर्मल इंसिडेंस केस की कंडीशन लगाएंगे तो ये कॉस जो है वन हो जाएगा क्योंकि आर की और थीटा की वैल्यू ज़ीरो होती है। तो ये हो जाएगा टू म्यू टी प्लस लैम्डा बाई टू इक्वल्स टू टू एन लैम्डा बाई टू। जब लैम्डा बाई टू को साइड करेंगे तो ये होगा टू म्यू टी इक्वल्स टू टू एन लैम्डा बाई टू माइनस, यहाँ पर लैम्डा बाई टू कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पर होगा टू एन माइनस वन ब्रैकेट में बचेगा। न्यूटन्स रिंग के फॉर्मूले में हम टी की वैल्यू पहले देख चुके हैं। तो टी की वैल्यू होती है यहाँ पर टी इक्वल्स टू आर स्क्वायर अपॉन टू आर। तो ये जो वैल्यू होती है टी की, ये वैल्यू होती है, तो इस वैल्यू को हम रखेंगे। तो यहाँ पर हम लिख देंगे पुट द वैल्यू ऑफ टी फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन। तो यहाँ पर हो जाएगा टू म्यू टी की जगह पर लिखेंगे आर स्क्वायर अपॉन टू आर इक्वल्स टू लैम्डा बाई टू और टू एन माइनस वन। यहाँ पर टू से टू कैंसिल आउट हो जाएंगे तो यहाँ पर बचेगा म्यू आर स्क्वायर अपॉन आर इक्वल्स टू लैम्डा बाई टू और ये टू एन माइनस वन। इसके बाद हम म्यू को भी इस साइड लाएंगे तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा टू एन माइनस वन अपॉन लैम्डा और टू म्यू। इसके बाद हम आर स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, तो हम इसे लिख सकते हैं डी एन अपॉन आर का स्क्वायर। तो डी क्या है यहाँ पर, आर डी जो है यहाँ पर हमारा डायामीटर है और आर जो है उसकी डायामीटर की आधी होती है, माने त्रिज्या व्यास की आधी होती है, जिसे हम लिख सकते हैं टू एन माइनस वन ब्रैकेट लैम्डा टू म्यू। यहाँ पर r की जगह पर हम 2 लिख सकते हैं। इसके बाद ये हो जाएगा डी एन स्क्वायर और इस 2 को जब इस साइड लाएंगे तो ये हो जाएगा 2 n माइनस वन लेमडा आर अपॉन 2। इसके बाद डी एन इक्वल्स टू स्क्वायर 2 n माइनस वन और लेमडा आर, 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पर बचेगा जब हम स्क्वायर का साइड पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा डी एन इक्वल्स टू अंडर रूट टू एन माइनस वन लैम्डा आर। ये जो इक्वेशन नंबर 2, यही जो है हमारा डायामीटर है ब्राइट फ्रिंज के लिए। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं डायामीटर ऑफ ब्राइट फ्रिंज। इसी तरह से आप डार्क फ्रिंज का भी निकाल सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी वीडियो देखने के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में।